Assalamualaikum, good morning and welcome back to my channel. जिन जिन लोगों ने मेरे channel को subscribe नहीं किया हुआ, like नहीं किया हुआ, please कर लीजिए. और जिन जिन लोगों ने किया है, मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. तो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. सबसे पहले ऑब्वियसली मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद मैं अपना मोस्ट फेवरेट फेस वॉश यूज़ करूँगी जो कि है ओरिजिन्स का चेक एंड बैलेंस. ये इजीली सिफोरा पर अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं वहाँ से, नहीं तो ओरिजिन्स की कोई भी शॉप अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं. उसके बाद बच्चे उठ चुके हैं, सबसे पहले बच्चों को पानी दूंगी, उनका हाइड्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद मेरा गर्म पानी का सेशन चलेगा जो कि 2 कप भर के होता है रोज़ाना. मैं गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले उठकर ब्रश करने के बाद. और ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ खास मूड नहीं था मेरा, पेट थोड़ा भरा हुआ था, पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा था ब्रेकफास्ट का. तो मैंने सोचा कि मैं 2 बिस्किट्स ले लेती हूँ, उसके साथ में चाय ले लेती हूँ. चाय में मैं चीनी नहीं डालूँगी, मैं स्टीविया डालूंगी. इट्स बीन अराउंड 6 मंथ, 6 महीने हो चुके हैं कि मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ. मैं स्टीविया अपनी चाय में ऐड करती हूँ. तो मैं फ्यू ड्रॉप्स स्टीविया के डालूँगी और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी. वैसे यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आज क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था इतना और सोचा कि बिस्किट्स ले लेती हूँ. मैंने जब पैंट्री खोली तो मुझे ये बिस्किट्स नज़र आए, तो मैंने वो ले लिया चाय के साथ. जस्ट फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं अपनी चाय में और वे बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी. अराउंड अगर हम 10 ड्रॉप्स डालते हैं तो वो अराउंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर के तरह होता है. उसके साथ मैं अपनी विटामिन्स लूँगी जो कि सूजी की, हेयर स्किन एंड नेल्स की है. मेरे बाल बहुत गिर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं हेयर के लिए अपने विटामिन्स लूँ हेयर के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए. इसमें बायोटिन है, सिलिकॉन है, जिंक है, आयरन है, विटामिन सी है, तो वो सब कुछ है जो कि आप लोगों की, और ये वेजिटेरियंस के लिए है तो हम लोग आराम से ले सकते हैं, इट्स हलाल. और बहुत मुझे इससे आसानी हुई है, मेरे बाल गिरना बंद रुक गए, ख़त्म तो नहीं होते ऑब्वियसली, रुक गए हैं, कम हो गए हैं. और मैं एक पिल मैं ले लूँगी और उसके बाद मैं अपना सारा किचन को क्लीन करूँगी. ब्रेकफास्ट के बाद जितनी भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें होती हैं मैं वो डिशेस सारी वॉश कर लूँगी. ग्लव्स में पहन के वॉश करती हूँ क्योंकि हाथों का ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को काम इतने ज़्यादा होते हैं किचन में कि मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ को जो है वो अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए और ग्लव्स पहन के जो है वो बर्तन धोने चाहिए. तो मैं अपने बर्तन जल्दी जल्दी से धो लूँगी, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी. मेरी डिशेस वॉश हो चुकी हैं और इनको मैं जल्दी से डिश वॉशर में रख दूंगी जस्ट फॉर ड्राई होने के लिए इसको, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए. और फिर मेरी क्लीनिंग की बारी आती है तो मैं अपना सोफ़ा सबसे पहले झाड़ लेती हूँ. मैंने इसको एक कपड़े से झाड़ लिया है, उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा धागा नज़र आएगा जो कि उस कपड़े में नीचे नहीं मैंने सही से झाड़ा उसको, तो उसको मैं हाथ से झाड़ लूँगी. और उसके बाद मैं करूँगी वैक्यूम पूरे घर में अच्छे से, और वैक्यूम करूँगी मैं पहले अपने बेडरूम में करूँगी अच्छे से. जब भी मैं वैक्यूम करती हूँ तो आयरा मेरे पीछे आ जाती है, उसको पता नहीं, उसको वैक्यूम की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो बस आगे पीछे घूम रही होती है. उसको होता है कि वैक्यूम पे ये खड़ी हो जाए और मैं इसके ऊपर से फिर वैक्यूम चलाऊँ. ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता, थे वो मुझे जो है वो उसको हटाना पड़ता है. लिविंग रूम में भी मैं वैक्यूम करूँगी. अच्छा, ये वाला जो वैक्यूम मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्पेशली मैं लेकर आई थी ताकि मैं कारपेट पर, रग्स पर और वुड फ्लोर पर भी इजीली इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है वैक्यूम से जो है वो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है. मैं झाड़ू से, ब्रूम से जो है वो करती हूँ चीज़ें, लेकिन बहुत कम मैं उसको यूज़ कर रही होती हूँ. मैं मोस्टली जो है वो वैक्यूम यूज़ करती हूँ, बस हम वैक्यूम चलाते हैं और सब चीज़ें जो है वो सारा कचरा जो है वो उसमें आ जाता है. तो वैसे तो घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सैटरडे को मुझे होता है कि मैं थोड़ा सा हम बाहर निकलें और घूमें फिरें, तो सफाई मैं सैटरडे को इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं करती, इसीलिए मैं सारा अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ फ्राइडे को कि मुझे सैटरडे को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए. और फिर आती है मेरे लंच की बारी. लंच में मैं आज बना रही हूँ बिरयानी अगैन, और मेरी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी. मेरे लास्ट मैंने अपना व्लॉग जो बनाया था उसमें मैंने बिरयानी की रेसिपी अपनी डाली थी, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं. और मैं अपना लहसुन अदरक
का पेस्ट बना रही हूँ मैं फ्रेश। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं खाना जो बना रही हूँ मैं उसी दिन ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँ उसी वक्त ही। और फिर मैंने पेस्ट बनाने के बाद जब लहसुन अदरक में बहुत के बाद जब ब्लेंडर में बहुत अजीब सी स्मेल आ जाती है तो मैं एक चीज़ करती हूँ, मैं ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालती हूँ और जो डिश वॉशर होता है मैं वो डालती हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अराउंड वन मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें कोई स्मेल नहीं रहती। आप लोग स्मूदी बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं इसमें से कोई भी लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आती। और ऑब्वियसली हम अलग अलग तो नहीं यूज़ कर सकते ब्लेंडर, तो इसीलिए मैं उसी को अच्छे से क्लीन करती हूँ और इस तरह से स्मेल नहीं आती। यहाँ पर मेरी ग्रेवी रेडी हो गई है और साथ साथ ही बात करते करते जो है मेरी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की, और मैंने उसी स्टाइल में बनाई है जिस स्टाइल में मैंने अपना व्लॉग जो पिछला मैंने ऐड किया था अपना बिरयानी वाला, जिसमें मैंने बिरयानी बनाई है। और सिर्फ इसमें है मैंने पोटैटोज़ ऐड किए हैं, तो आप लोग पोटैटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। और